भारत संचार निगम लिमिटेड ने पिछले वित्तीय वर्ष में बेहतरीन सेवाओं के लिए शिमला जिला दूरसंचार के 19 कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं कोविड-19 के चलते जो कर्मचारी शिमला में नहीं थे उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। दूरसंचार के महाप्रबंधक MC सिंह ने कहा कि कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद शिमला एवं किन्नौर जिला में 60,000 मोबाइल कनेक्शन प्रदान किए गए एवं 70 करोड़ का राजस्व भी अर्जित किया है, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक रहा और इसमें 2018-19 के मुकाबले में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जहां 12 नए BTS लगाए गए, वहीं इस वर्ष 280 4G BTS स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि ग्राहकों को आधुनिक तकनीक के अंतर्गत बेहतर सेवा प्रदान की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी सभी अधिकारी एवं कर्मचारी घर घर तक सेवाएं पहुंचाने में कार्यरत हैं। वहीं घर बैठे करो रिचार्ज के अंतर्गत कोई भी ग्राहक 567-0099 पर कॉल कर सकते हैं, ताकि नजदीकी रिटेलर से वे अपना नंबर रिचार्ज करवा सकें। शिमला SEC में हम हर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो हमारे योद्धा हैं, जिन्होंने स्टार परफॉर्मर्स हैं, जिन्होंने बहुत पूरे साल अच्छा काम किया है, उनको हम सम्मानित करते हैं। तो ये हमारा 11वां हमारा अवार्ड फंक्शन था और इसको जो हमने अवार्ड फंक्शन दिया था इसमें पूरी सोशल डिस्टेंसिंग सबका ख्याल रखते हुए, क्योंकि जिन्होंने पूरे साल काम किया तो उनको भी सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे जो BSNL के जो योद्धा हैं, इसमें कोरोना के टाइम में खूब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इवन रिमोट में भी जितने अब कहीं कोई दिक्कत आ रही है वहाँ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि लोग घरों में बंद हैं और उसमें घरों से लोग ऑफिसेस चला रहे हैं, जो बच्चे हैं ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये BSNL की और जिम्मेदारी बन जाती है कि अच्छी से अच्छी सर्विस दें, ताकि लोग घरों पे रहने में उनको कोई कष्ट ना हो। क्योंकि आप देखिए कि ब्रॉडबैंड से TV भी चल रहा है आजकल, तो अगर जितनी सर्विसेज अच्छी रहेंगी तो लोग घर पे रहेंगे, घर पे रहेंगे तो ये जो महामारी कम फैलेगी, तो उसमें BSNL का बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। अभी देखिए जैसे घर में लोग हैं उनको मोबाइल कैसे रिचार्ज कराना है, तो उसके लिए 567-0099 हमने हेल्पलाइन चालू करी, उस पर रिंग करके अपना रिचार्ज करवा सकते हैं। एक है कि MyBSNL ऐप लेटेस्ट वर्जन है, उसको अगर डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें फ्रेंड्स एंड फैमिली को हम रिचार्ज कर सकते हैं और 4% उस पर कैशबैक मिलता है। अगर सपोज मैंने आपको 99 का रिचार्ज किया तो मेरे खाते से केवल 95 ही कटेगा। MyBSNL ऐप है, उसको डाउनलोड सारे लोग कर लें तो घर बैठे ही रिचार्ज किसी का भी कर सकते हैं और कैशबैक ऑफर भी मिलेगा। दूसरा हो गया कि जो लैंडलाइन ब्रॉडबैंड के उपभोक्ता हैं, हमने मार्च अप्रैल में नंबर नहीं काटे थे क्योंकि लोगों का जो बाहर निकलना मुश्किल था। अब क्योंकि हमारे कस्टमर सर्विस सेंटर खुले हुए तो वो अपना बिल जल्दी से जल्दी जमा करा दें, क्योंकि उनकी आउटगोइंग कॉल बंद हो चुकी है, तो आप सारी CSC जो कस्टमर सर्विस सेंटर वहाँ जमा करा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन पेमेंट है उस पर जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन BSNL के पोर्टल हैं, MyBSNL ऐप से भी जमा हो जाती है। और अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते तो हम अपने ऑफिस से लिंक कर रहे हैं कस्टमर को, तो हमारे जो लाइन मैन हैं घर से भी पैसा ला के जमा कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर किसी का बिल, कोई कस्टमर कहता है मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरे घर से आके पैसे लेके ले जाइए, जमा कर दीजिए, तो वो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी घर पे जाके उनको पैसा लेके बिल जमा करवा रहे हैं। महाप्रबंधक ने सम्मान प्रदान करने के बाद अधिकारियों से बैठक में जिला प्रशासन में हो रही दूरसंचार सेवाओं के प्रसार एवं तैयारियों पर भी चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी जर्नल, शिमला।